हेलो गाइज, मैं हूँ नीतीश। और भाई आज की इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप इस चीज़ को अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि सिंपली इन सिरिंज का यूज करके रॉकेट बनाएंगे और ये जो रॉकेट बनेगा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा और काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी जाने वाला है। तो आप लोग इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम इसे शुरू करते हैं गाइज। हमने यहाँ पे 5 ml की सिरिंज लिए हैं और सबसे पहले इसे अलग कर लेंगे। इसे अलग करने के बाद इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है इसे काट लेना है। तो इसे अलग करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे ब्लॉक कर देना है। ब्लॉक करने के लिए हम इसे हल्का सा गर्म करेंगे और इसे हल्का सा हीट देने के बाद बिल्कुल इसका जो होल है वो ब्लॉक हो जाएगा। आपको चेक भी कर लेना है कि इसका होल ब्लॉक हुआ कि नहीं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। इसके बाद आपको 2 अलग अलग कलर की शीट चाहिए और इस शीट को इसके ऊपर लपेट देना है। और इसके ऊपर फेविकोल लगा देना है। फेविकोल लगाने के बाद फिर इसका जो पेपर है इसे हम चिपका देंगे। दूसरे पेपर से हम बनाएंगे इसका एयर डायनेमिक शेप। तो इसे सबसे पहले गोल कर लेना है कुछ इस प्रकार से। इसे शंकु आकार के बन जाने के बाद इसे कट कर लेना है और इस होल को छोड़कर इसके ऊपर इस एयर डायनेमिक शेप को लगा देना है कुछ इस तरह से। तो गाइस जब इसका विंग्स को डिजाइन करेंगे तो इसके लिए पेपर को कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। ऐसे ऐसे 4 पीस को काट लेना है। यहाँ से इस पेपर को कुछ इस प्रकार से स्लोप काट लेना है। अब इसकी विंग्स को हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से चिपका देंगे। तो गाइस यहाँ पे 4 विंग्स हमने इसमें लगा दिए हैं और ये हमारा तैयार हो चुका है रॉकेट का बॉडी। तो इसी प्रकार से हमने एक और रॉकेट यहाँ पे बना लिए हैं और भाई इसे अब लॉन्च करने के लिए हमें बनाना होगा इसका लॉन्च पैड। तो भाई उसका लॉन्च पैड भी बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आप वीडियो को बस अंत तक देखते रहिए। तो इसका लॉन्च पैड बनाने के लिए आपको चाहिए एक प्लाईबोर्ड का पीस और भाई ये जो मेरा पिस्टन है इसका जो रबड़ होता है आगे इसे हम निकाल लेंगे। जो हल्की सी ऊंचा है इसे रेस से घिस लेंगे। घिसने के बाद रबड़ को फिर से लगा देंगे। घिसने का फायदा यह होगा कि जो पिस्टन मेरा सिलेंडर में जाएगा वो थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, इसे हल्का सा टाइट होता है। तो आपको कुछ इस प्रकार से रगड़ लेना है और रगड़ लेने के बाद फिर इस रबड़ को लगा देना है। ये जो लाइनिंग है रबड़ से हल्का सा नीचे चला गया है तो अब इसे आराम से बाहर आ सकता है कुछ इस तरह से। तो अब इसके दोनों तरफ हम पतला पतला छेद कर लेंगे कि इसमें से तार जा पाए। यहाँ पे हमने 2 होल कर लिए हैं, 2 साइड में यहाँ पे होल कर लेना है। हमने यहाँ पे इसमें 2 तार को लगा लिए हैं और 2 तार लगाने के बाद यहाँ पे हल्की सी एयर गैप देना है। ये तार हिले डुले नहीं इसीलिए हमने इसे ग्लू से चिपका भी दिए हैं दोनों तरफ। तो अभी इस चीज़ को हम यहाँ पे फिट कर देंगे और फिट करने के लिए यहाँ पे हम पतले कील का यूज करेंगे। इसके बाद आपको एक सिगरेट लाइटर लेना है और इस लाइटर से स्पार्क स्विच को निकाल लेना है। इसे निकालने के बाद 1 तार को इसमें जोड़ देना है और 1 तार को यहाँ पे कॉमन कर देना है, यहाँ पे जोड़ देना है। हमने स्पार्क स्विच को इसका कॉर्नर में लगा दिया है और यहाँ से इसका तार को कनेक्ट कर दिए हैं और ये जो तार है सीधे यहाँ पे आकर ओपन हो जा रहा है और जैसे ही हम स्पार्क स्विच को दबाएंगे तो यहाँ पे स्पार्क क्रिएट होगा। और अगर आपका स्पार्क क्रिएट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे अच्छा से इसे टेप मार लीजिएगा जहाँ पे इसका जॉइंट है। तो गाइज मेरा लॉन्च पैड पूरा कंप्लीट है, बस इसमें एक चीज़ बच रहा है तो इसका पेंटिंग का। तो राइट गाइस, जब भाई इसकी टेस्टिंग की बारी, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये उड़ेगा कैसे। तो भाई इसे उड़ने के लिए सिंपल प्रोसेस है। हम इसमें है थिनर पूरा 5 लीटर, लेकिन आपको 5 लीटर थिनर नहीं लगेगा, मात्र और मात्र आपको यहाँ पे 2 ml इसमें से थिनर को निकाल लेते हैं। इतना थिनर इसके लिए काफ़ी है। इतना थिनर में आप करीब इसे 30 बार से ज़्यादा भी उड़ा सकते हैं।
मात्र और मात्र एक बूंद इसमें डालने के बाद फिर इसे सेक कर लेंगे हल्का। इसे हिला लेने के बाद फिर इसमें अब सीधे इसे लगा देना है। इसे ट्राई करते हैं। तो हर बार की तरह हम इसमें फिर से एक बूंद इसमें थिनर को डाल दिए हैं और इसे हल्की सी सेक कर लेना है। और सेक करने के बाद इसमें हल्का सा ऑक्सीजन दे देना है और फिर इसे लॉन्च पैड पे लगा देना है। 1 2 3। और भाई वो काफ़ी दूर गया। एक और है मेरे पास, इसे लॉन्च करते हैं। तो इसमें भी हम एक बूंद मात्र डालेंगे थिनर को और डालने के बाद इसे फिर से सेक करेंगे। सेक कर लेने के बाद इसे लॉन्च पैड पे डाल देंगे और भाई ये तैयार है फिर से उड़ने के लिए। 1 2 3। ओ ये थोड़ा सा कम गया। और इसमें एक मेन बात और है कि इसे एक बार हम फिर बिना इसमें फ्यूल को रिफिल किए भी चला सकते हैं। देखना, तो इसमें अभी कुछ फ्यूल को हमने ऐड नहीं किए हैं और फिर इसे सीधे लॉन्च पैड पे लगाते हैं और इसे ट्रिगर को ऑन करते हैं। और इस बार आप देखिए कितना दूर तक गया है। भाई इसे थिनर ही नहीं बल्कि इसे हम ब्यूटेन गैस से भी उड़ा सकते हैं। तो ब्यूटेन गैस से उड़ाने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि इसमें ब्यूटेन गैस को भर लेंगे, नोजल को खोलेंगे और मेरा ब्यूटेन गैस इसमें लोड हो गया। और अब देखना, तो राइट गाइस देखिए अभी आपने थाना का भी कमाल का वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि ये कैसे ऊपर जा रहा था तो आपको बता दूं, जैसे इसमें हमने थिनर को डाल रहे थे यानी कि जो इसका सिलेंडर है, जैसे इसमें हम थिनर को डाल रहे थे मात्र एक बूंद और इसे डालने के बाद सेक कर रहे थे, तो इसमें थिनर का जो अंश है चारों तरफ इसमें फैल जा रहा था। और जैसे ही यहाँ पे इसे लगा दे रहे स्विच को ऑन करे तो यहाँ पे स्पार्क क्रिएट होता है और इस स्पार्क क्या कर रहा था कि इसमें आग लगा दे रहा था। और इसमें जैसे ही आग लग रहा था तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा था और इस प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ऊपर जा रहा था। तो आइडिया काफ़ी ज़्यादा ही सिंपल है। इस चीज़ को आप हल्की सी थिनर में जितना चाहें आप उतना इसे लॉन्च कर सकते हैं, हर बार इसे लॉन्च कर सकते हैं। बस इसका में कुछ ख़राब होगा तो इसका जो एयर डायनेमिक शेप है ये गिरने के बाद थोड़ा सा ये पिचक जा रहा था। इस रॉकेट को दो चीज़ों से उड़ा कर दिखाएं, पहला तो था इसका थिनर और दूसरा में हमने इसके अंदर ब्यूटेन गैस भी भर के उड़ाए थे। आप चाहें तो इसे पेट्रोल से भी उड़ा सकते हैं। इस वीडियो में आपको मजा आई होगी तो इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जोर से दबा दीजिए और भी ऐसे मस्त वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।